नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश की 13वीं में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान कहा कि इंदिरा हृदयेश जैसी वरिष्ठ नेता के साथ उनको बराबर काम करने का मौका मिला। यही नहीं, जब भी विधानसभा में कोई गतिरोध उत्पन्न हुआ उनका हमेशा सकारात्मक रुख देखने को मिला। सदन में वो विपक्ष के तौर पर भी सत्ता पक्ष से सहमत रहती थी। पूर्व सीएम हरीश रावत के सामने सीएम तीरथ के चुनाव लड़ने वाले बयान पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम का चुनाव हरीश रावत को नहीं बल्कि चुनाव आयोग को तय करना है, हरीश रावत को थोड़ा और आगे पढ़ना चाहिए। हरीश रावत ने कल अपने एक बयान में कहा था कि सीएम तीरथ सिंह रावत अब अपने चुनाव का समय गंवा चुके हैं। कुंभ मेले के दौरान कोविड टेस्ट में हुई गड़बड़ी अब सरकार के लिए मुश्किल बनती जा रही है। मामले को लेकर राजनीतिक दल भी सड़कों पर उतर आए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। चंद्राचार्य चौक से देवपुरा चौक तक पैदल मार्च निकालकर आप कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। आक्रोशित कार्यकर्ताओं का कहना है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कुंभ मेले में हुए घोटाले अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेगी। ऐसी सूचना आई थी कि आम आदमी पार्टी वाले आज जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका जो है माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का घेराव करने का प्रस्तावित कार्यक्रम था। उसी के मद्देनज़र आज ये सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था की थी कि ये लोग जो है वहाँ उनके न आवास न उनके कार्यालय पे पहुँच। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कलेक्ट्रेट कक्ष में वर्चुअल समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने जिला उद्योग मित्र विशेष एकीकृत प्रोत्साहन नीति और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति की समीक्षा बैठक की। आयोजित बैठक में उद्यमियों की समस्याओं, विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, विद्युत प्रतिपूर्ति दावे, एमएसएमई की नीतियों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति के अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की प्रगति की भी जिलाधिकारी ने जानकारी ली। साथ ही विगत बैठक में लिए गए निर्णयों के तहत की गई कार्यवाही और सिंगल विंडो सिस्टम से प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई। बैठक में वर्चुअल माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई, सीटीओ लखेंद्र गोंधियाल सहित संबंधित अधिकारी शामिल हुए। उद्योग मित्र का बैठक आज आयोजित किया गया है। इसमें जनपद में जितने भी हमारे उद्यमी हैं इनकी समस्याओं के ऊपर चर्चा किया गया। साथ में कुछ उद्यमियों के द्वारा जो अपने प्रतिपूर्ति के आवेदन प्रस्तुत किया गया है एमएसएमई नीति के अनुसार और विशेष एकीकृत प्रोत्साहन नीति के अनुसार, तो उनको स्वीकृत किया गया है। इसमें से दो प्रकरण ऐसे पाए गए हैं जहाँ पर हम लोग को जो है उनका जो कारण था वो स्पष्ट कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है, उनको हमने दोबारा समय दिया है। कोरोना महामारी के बीच प्रशासन तमाम मोर्चों पर पूरी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है। मुनाफाखोरी रोकने को लेकर भी व्यापक रूप से अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंडी समिति के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि मंडी में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति का वैक्सीनेशन किया जाए। साथ ही मंडी में बिकने वाले सामानों की रेट लिस्ट लगाई जाए जिससे कोरोना कालों में मुनाफाखोरों पर लगाम लग सके। एसडीएम पूरण सिंह राणा ने बताया कि मंडी समिति के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मंडी में काम करने वाले व्यापारियों से लेकर अन्य लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाई जाए। जो व्यक्ति बिना वैक्सीन लगवाए मंडी में कार्य करता हुआ पाया जाए उस पर कार्रवाई भी की जाए। इसके साथ ही तमाम व्यापारियों को रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य किया जाए जिससे लोगों को सहूलियत मिल सके और मुनाफाखोरी पर लगाम लगाई जा सके। मंडी सचिव को डायरेक्शन भी दिए गए हैं कि एक तो मंडी में जितने भी लोग रहते हैं 18 to 45 plus above 45, एक तो उनका सभी का वैक्सीनेशन होना है। तो उसमें मोबाइल टीम्स को एक से दो बार भेजा भी जा चुका है लेकिन सभी लोगों का अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। और दूसरा, लोगों को वहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन वगैरह करवाने के डायरेक्शन है और लोग इत्यादि मास्क इत्यादि यूज़ करें, तो उसी के रिगार्डिंग विजिट किया गया था और डायरेक्शन भी दिए गए हैं। और मंडी सचिव को क्लियर मैसेज है कि जो व्यक्ति नहीं करता है तो उस पर पेनल्टी वगैरह इम्पोज की जाए और ताकि जो कोविड है उसको कंट्रोल किया जा सके। नहीं, रेट लिस्ट का तो सभी को है, जितना भी हमारा मंडी है और जो फुटकर व्यापारी है और जो अन्य व्यापारी है सभी को डायरेक्शन है। पहले इन लोगों से लगवाई भी गई थी, मीटिंग भी कर चुके हैं, कई लोगों के द्वारा लगाई भी गई है और
इसको रूटीन में पुनः चेक भी करवाया जाएगा नगर पालिका, नगर निगम प्लस तहसील के स्टाफ से। चमोली जिले में 13 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। इसके साथ ही संक्रमण की रोकथाम के लिए भी सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना महामारी से सुरक्षा के दृष्टिगत वैक्सीनेशन कार्य पर जोर दिया जा रहा है। जिले में 45 से ज्यादा आयु वर्ग के 98% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि 18+ में 26% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले एहतियात के तौर पर यात्रा से जुड़े सभी होटल, ढाबे, वाहन चालक और अन्य व्यापारियों का भी तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में मंदिर समिति के कर्मचारियों, व्यापारियों और स्थानीय जनता को मिलाकर 300 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अगले 2 दिनों में बद्रीनाथ धाम के आसपास गांव क्षेत्रों में सभी का वैक्सीनेशन पूरा किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन कोविड को लेकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रहा है। इसके साथ ही होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की देखरेख और स्वास्थ्य परीक्षण के साथ चिकित्सा परामर्श दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बाजारों में भीड़भाड़ से बचने, शारीरिक दूरी रखने और मास्क पहनने के अलावा कोविड सतर्कता नियमों का पूरी तरह से पालन करने को कहा है। पिछले 24 घंटों में जिले से 803 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। स्वास्थ्य टीमें गांव-गांव जाकर भी कोरोना जांच करने में जुटी हुई हैं। अभी तक स्वास्थ्य टीमों द्वारा 564 गांव में जाकर 26,533 लोगों के सैंपल जांच किए जा चुके हैं। शुरुआत से ही हम लोगों ने काफ़ी गांव-गांव जाकर हेल्थ टीम ने वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया था। उससे हमारी शुरू से ही प्रगति अच्छी थी और अब ऑलमोस्ट 98% लोगों को हमने वैक्सीनेट कर लिया, 45+ की जनता को फर्स्ट डोज से। और इसके साथ में ही जो हमारा चारधाम यात्रा क्योंकि अभी कुछ दिनों में शुरू हो सकता है, तो उसमें उसके लिए भी लगभग 1650 पांडुकेश्वर, माना, बामली वाले जो इलाके हैं, जो वहाँ के ग्रामवासी हैं या मंदिर समिति के लोग हैं, इन सभी लोगों को मिलाकर इनका वैक्सीनेशन किया जा चुका है। और इसके अतिरिक्त आपदा को लेकर भी यहाँ की तैयारियाँ हो चुकी हैं और जो रोड बंद थी उसमें से काफ़ी ज़्यादा रोड खुल भी चुकी हैं, तो इसलिए भी अब वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र सीधे चमोली से जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, वैक्सीनेशन और कोरोना को लेकर क्या कुछ हालात हैं इस वक्त चमोली में? जी शिवम, जैसे कि कोरोना के दृष्टिगत चमोली जिला प्रशासन ने यहाँ पे पूरे जनपद में 13 वैक्सीन सेंटरों की जो स्थापना की है, इस जो कोरोना काल जो चार यात्रा धाम जो यात्रा है उसको देखते हुए भी जो कोरोना की जो सतर्कता की रोकथाम और उसके लिए है, तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य महकमा की टीमें हैं और जो लगातार जो बद्रीनाथ धाम में भी हैं, जो कि क्योंकि यात्रा शुरू होने वाली है, तो यहाँ पे जो चार धाम यात्रा रूट पर जो होटल हैं, ढाबे हैं और वाहन चालक हैं और यहाँ पे स्थानीय जो व्यवसायी हैं और यहाँ तक कि जो बद्रीनाथ धाम के जो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी लगातार लोगों की जो सैंपलिंग की जा रही है और वैक्सीनेशन का कार्य भी पूरा हो रहा है। जैसा कि बताया गया है कि 98% जो 45+ के आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको 98% के आसपास जो वैक्सीनेशन का कार्य हो चुका है, और जबकि जो 18+ के लोग हैं उनको 27% के करीब जो उनका वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। तो जो जिला प्रशासन है वो काफी सतर्क है और जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें और मास्क का प्रयोग करें और सामाजिक जो सामाजिक दूरी है उसका भी पालन करें। तो लगातार जो है वैक्सीनेशन की जो यहाँ पे जो दौर चला हुआ है वो बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीमें मिलजुल कर काम कर रही हैं और यहाँ पर अभी तक जो है जो विभिन्न जो गांव में जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं यहाँ पे लगभग पिछले जो 24 घंटे में जो समय गुजरा है वहाँ पे 803 लोगों के सैंपल जो जांच के लिए भेजे गए हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है गांव-गांव जाकर कर जो लोगों की जो सैंपलिंग करी है वो उसमें जुटी हुई है। अभी तक जिले में 564 गांव में जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 26,533 लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से चमोली में अब वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन मुस्तैदी दिखा रहा है उससे ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में वहाँ के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। कोटद्वार पुलिस ने डिजिटल वॉलंटियर्स के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया। इस गोष्ठी में पुलिस के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड पुलिस की तरफ से सभी डिजिटल वॉलंटियर्स को उनके साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद दिया गया। एसपी रेणुका देवी ने सभी डिजिटल वॉलंटियर्स से कहा है कि हमें सोशल मीडिया पर डाले जाने वाली किसी भी भ्रामक पोस्ट का
खंडन करना है, साथ ही समाज के लोगों को जागरूक करना है। सोशल मीडिया पर हासिल होने वाली किसी भी प्रकार की पोस्ट की सत्यता को जाने बिना इसे आगे फॉरवर्ड नहीं करना है। इसके साथ ही एसपी ने सभी डिजिटल वॉलंटियर्स से उनके सुझाव लिए। डिजिटल वॉलंटियर्स ने कहा कि पौड़ी पुलिस वर्तमान समय में अच्छा काम कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जय ममगाई सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जय ममगाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एसपी ने जिस तरह से ये मोर्चा संभाला है, क्या कुछ चीजें देखने को मिली हैं अब तक? सर, यहाँ पे जो है, जब से पुलिस अधीक्षक पी रेणुका देवी ने कमान संभाली है सर, तब से जनपद गढ़वाल के समस्त डिजिटल वॉलंटियर्स के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का जगह जगह पे जो जागरूकता अभियान है वो देखने को मिल रहा है। और ये एक और बड़ा बयान सामने आया है कि जो भी सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किए जा रहे हैं उसको लेकर भी तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल सही है सर, इस मामले में उप निरीक्षक पी रेणुका देवी ने सभी को निर्देश किए हैं कि जो भी अभद्र या फिर जो भी असामाजिक तत्व फैलाने वाली पोस्ट फेसबुक पे पोस्ट की जा रही है उसे हमें रोकना है, उसके लिए हमें कड़े इंतजाम रखने हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं ऋषिकेश पीजी कॉलेज के 2 एनसीसी कैडेट को विधानसभा अध्यक्ष ने प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया है। दोनों एनसीसी कैडेट ने 26 जनवरी की परेड के लिए उन्हें चुना गया था, जिसके बाद दोनों कैडेटों ने परेड में शामिल होकर क्षेत्र का नाम रोशन किया था। दरअसल पीजी कॉलेज ऋषिकेश से पूर्व में भी कई एनसीसी कैडेट दिल्ली की परेड में शामिल हो चुके हैं, लेकिन एनसीसी विभाग के पास सुविधाओं का आज भी अभाव है। एनसीसी कैडेटों को ट्रेनिंग देने के लिए बाहर से राइफल मंगाई जाती हैं। इन सभी समस्याओं के बारे में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को जानकारी मिलने पर उन्होंने दोनों कैडेटों को प्रोत्साहन राशि के साथ ही 1,50,000 रुपये एनसीसी कैडेटों की सुविधा बढ़ाने के लिए दिए हैं। वहीं रुड़की कुंभ कोविड जांच प्रकरण को लेकर जांच तेज हो गई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है नए नए खुलासे हो रहे हैं। एनएचआरसी उत्तराखंड के डिप्टी कन्वेनर मोहम्मद आदिल फरीदी ने बताया कि कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में कोविड महामारी के नाम पर घोटाला करना प्रदेश की भाजपा सरकार के लिए बहुत बड़े शर्म की बात है, क्योंकि भाजपा हमेशा धर्म के नाम पर एक दूसरे को बांटने का काम करती आई है। मोहम्मद आदिल फरीदी ने कहा कि जो कुंभ कोविड घोटाले के लिए जिला अधिकारी द्वारा टीम गठित की गई वो उनसे संतुष्ट नहीं है। एनएचआरसी मांग करती है कि इस कुंभ कोविड-19 घोटाले की जांच के लिए रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनाई जाए, उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ जांच रिपोर्ट बनाई जाए, जिससे दोषी अपराधियों और लैब संचालक को लापरवाही की कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। मोहम्मद आदिल फरीदी ने सरकार को चेताते हुए कहा कि 10 दिन के अंदर अगर जांच टीम नए सिरे से गठित नहीं होती है तो वो इस प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली की मैक्स कॉरपोरेट एजेंसी से संबंध और माल चंदानी लैब के काम में खामियां मिलने के बाद सीएमओ हरिद्वार ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इस प्रकरण की जांच के लिए पुलिस का विशेष दल एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय के नेतृत्व में जांच कर रहा है। कमेटी पर बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, कमेटी प्रदेश लेवल पर बने और जस्टिस हाईकोर्ट के लुटरमैन इसकी निगरानी करें तो हम जब संतुष्ट है, नहीं तो 10 दिन का राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी इसमें समय देती है और जा एक ज्ञापन भी देगी राज्यपाल को भी और माननीय मुख्यमंत्री को भी। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज लुटरमेंट और चीफ नेशनल कन्वीनर हैं उन्होंने ईमेल के जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना संदेश दे चुके कि 10 दिन का इसमें समय है और जैसा नहीं करते हैं तो राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी 10 दिन के बाद। बहादुराबाद पुलिस की ओर से मनाए जा रहे ड्रग्स जागरूकता सप्ताह के तहत अभियान चलाया गया। ड्रग्स जागरूकता सप्ताह के तहत थाना बहादुराबाद पुलिस द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया में लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान फैक्ट्रियों और फार्मा कंपनियों में काम करने वाले लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। जागरूकता अभियान के तहत सुपराजित प्राइवेट लिमिटेड, बोनी प्राइवेट लिमिटेड, अकम्स फार्मा कंपनियों के एम्प्लॉय को नशा न करने व नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के संबंध में जागरूक करते हुए जानकारी दी गई। जिले में लगातार बढ़ रहे नशे के कारोबार और इस्तेमाल करने वालों पर लगाम लगाने के लिए ड्रग्स जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। अभियान के तहत एसपी की तरफ से दिए गए निर्देशों को लेकर
सतपुली पुलिस ने अभियान चलाया। पुलिस ने ड्रग्स जागरूकता अभियान के तहत लोगों को नशे से होने वाली बीमारियों और नुकसान के बारे में बताया। उपनिरीक्षक इंद्रजीत राणा ने जीप टैक्सी चालकों को ड्रग्स जागरूकता के साथ ही यातायात नियमों के पालन करने और कोविड-19 नियमों के संबंध में जागरूक किया। थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल ने बताया कि वाहन स्वामियों और चालकों को नशे, ड्रग्स और मादक पदार्थों के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही सभी से नशे के अवैध कारोबार के संबंध में पुलिस को जानकारी देने की अपील की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि ड्रग्स जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत स्कूली बच्चों में ऑनलाइन पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं हरिद्वार में हरिद्वार विकास प्राधिकरण की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। रोशनाबाद हेतमपुर की शिवम विहार कॉलोनी में बिना नक्शा पास कराए ही 4 मंजिला इमारत का निर्माण कराया जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसे ही कई बिल्डर बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से निर्माण कार्य करवा रहे हैं, लेकिन हरिद्वार विकास प्राधिकरण के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिल्डर सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर इमारत का निर्माण करवा रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कई बार HRDA के अधिकारियों से शिकायत की गई है, फिर भी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। जोशीमठ जिले के मैदानी इलाकों में जहां गर्मी से बेहाल लोग अब त्राहिमाम कर रहे हैं, तो वहीं पहाड़ों पर बर्फ गिरनी शुरू हो गई है। ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फ गिरने से कई निर्माण कार्यों को रोकना पड़ गया है। माड़ा बॉर्डर पर सीमा सड़क संगठन का सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जहां बर्फबारी होने के चलते मजदूर वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। 4 से 5 फीट गहरी बर्फ जमा होने से मजदूरों का स्वास्थ्य खराब होने लगा, जिसके बाद सभी मजदूरों ने काम को रोक दिया और वापस लौटने लगे। वहीं हल्द्वानी में जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने कड़ी कार्रवाई की है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने छड़ेल में अवैध रूप से बेसमेंट की खुदाई कर बनाए जा रहे कॉमर्शियल निर्माण को सीज कर दिया है। साथ ही बेसमेंट की खुदाई में निकाले गए उपखनिज की जांच के लिए खनन विभाग को निर्देशित किया है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि कुछ शिकायतें मिल रही थीं कि जिला विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना बेसमेंट की खुदाई कर अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद आज टीम ने इसे सीज किया है। उन्होंने बताया कि टीम ने निर्माण कार्य को रोकने के निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बावजूद धड़ल्ले से निर्माण कार्य किया जा रहा था। जिला विकास प्राधिकरण से भवन निर्माण की कोई अनुमति नहीं ली गई थी। खनन विभाग को निर्देशित किया गया है कि बेसमेंट में खुदाई कर निकाले गए उपखनिज की जाँच कर निर्माणकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो हमारा प्राधिकरण का क्षेत्र है, उसमें शिकायत मिल रही थी कि एक निर्माण कार्य है, इस जगह पे चल रहा है, और इनसे डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए कहा गया था, तो इनके द्वारा अभी तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया गया है, और इनका नक्शे के संबंध में भी इनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई ये भी नहीं बताया गया है। इसी के क्रम में इस टीम हमारी जो यहाँ आई है। वहीं रुड़की जिले के मंगलौर कोतवाली इलाके के कुमराड़ा गांव में सरकारी जमीन पर धार्मिक स्थल की स्थापना को लेकर विवाद शुरू हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम को भी ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लाठियां बांधकर भीड़ को तितर बितर किया। सूचना पर रुड़की ASDM पूरण सिंह राणा और CO मंगलौर पंकज गैरोला मौके पर पहुंचे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक मंगलौर के इस दौरान कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए। पथराव में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को भी चोटें आई हैं। मौके पर अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। गांव में एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जो गांव में सार्वजनिक तालाब है खसा नंबर 113, तो उसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा 5 दिन पहले रात में मूर्ति स्टैब्लिश कर दी गई है, और मौके में मिट्टी भराव करके, तो इमीडिएटली अपने रेवेन्यू टीम के माध्यम से इसको चेक करवाया गया। तो उसमें एक टीम के माध्यम से रिपोर्ट पुटअप की गई कि जो खसा नंबर 113 है वो जोहड़ की भूमि है। तो जोहड़ का जितना भी नंबर है या नदी है या जो भी जलमग्न श्रेणी में जो लैंड है, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा ये क्लियर डायरेक्शन है कि उस लैंड को जो 1951 की जो कंडीशन थी उस नेचर में लाया जाए, चाहे उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन है उसको रिमूव किया जाए। तो स्थानीय लोगों को, जिनके द्वारा इस तरह के यहाँ पर मूर्ति स्टैब्लिश की गई थी, उनको कार्यालय में बुला के 2 से 3 बार उनको समझा भी दिया गया था कि खुद आप इसको रिमूव करें, लेकिन संबंधित लोगों के द्वारा इसको रिमूव नहीं किया गया। और आज जब मौके में पुलिस बल के द्वारा उसको हटाया जा रहा था, कुछ लोगों के द्वारा उसमें कुछ शरारती तत्वों के द्वारा मारपीट भी करने की कोशिश की गई, कार्य को रोकने की कोशिश की गई।
और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता इंतज़ार रज़ा सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रज़ा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या कुछ हुआ है वहाँ पर, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक धार्मिक स्थल को लेकर ये पूरा विवाद है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो ये मामला है ये मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का मामला है, कुमरेडा गांव का ये मामला है, जहां पे जो तालाब है, तालाब की भूमि पर एक अवैध तरीके से एक मूर्ति की स्थापना की जा रही थी। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने पहले ही ग्रामीणों को सूचित किया था, इस संबंध में बताया गया था कि यहाँ जो ये भूमि है ये तालाब की भूमि है और इस पर किसी भी तरह का निर्माण हो या अवैध कब्जा हो नहीं करने दिया जाएगा। तो उसी क्रम में यहाँ जो ग्रामीण लोग हैं ये इसमें एक मूर्ति की स्थापना करने जा रहे थे, तो उसी को हटवाने के लिए वहाँ आज शासन प्रशासन की टीम पहुंची हुई थी। तो ग्रामीणों का और प्रशासन की टीम के बीच में काफी नोकझोंक उसमें हुई है, तो उसमें काफी जो ग्रामीण थे, ग्रामीणों ने जो पुलिस प्रशासन के जो पुलिस कर्मी थे उनके ऊपर पथराव भी किया है। तो मैं आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश है कि जो 1951 में जो तालाब थे क्षेत्र में, जो तालाब थे तो जिस अवस्था में वो थे, जितना उनका क्षेत्र बनता उसी अवस्था में वो तालाब सब वापस होने चाहिए और उन्हें यथास्थिति में उन्हें लाना चाहिए। भले ही उन पर किसी तरह कोई अवैध निर्माण भी हुआ हो तो उसे तोड़ना होगा और तालाबों का जो क्षेत्रफल है उसको पूरा करना होगा। तो उसी क्रम में आज यहाँ कुमरेड़ा गांव में भी प्रशासन की टीम उस आदेश के लिए पहुंची थी। तो जब ये टीम वहां पहुंची तो ग्रामीणों ने खासा विरोध किया और पथराव पुलिसकर्मियों के ऊपर कर दिया। तो काफी जो पुलिसकर्मी थे वो इसमें चोटिल भी हुए हैं, घायल हुए हैं। तो वहीं जो निरीक्षण के लिए वहां SDM पूरण सिंह राणा वहां पहुंचे थे, जिनके द्वारा जानकारी दी गई है कि जो जो चोटिल हुए हैं पुलिसकर्मी और ग्रामीण, जो ऐसे ग्रामीण थे जिन्होंने पुलिसकर्मियों के प्रशासनिक टीम के ऊपर पथराव किया है, मारपीट की है, तो उन्हें चिन्हित कर और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो तालाब है तालाब का क्षेत्रफल पूरा किया जाएगा और इस मूर्ति को वहां से हटाया जाएगा, क्योंकि ये मूर्ति जो है ये अवैध तरीके से वहां लगाई जा रही थी। जी, इस पूरी कार्रवाई के बाद इस वक्त वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? मैं आपको बता दूं, जो वहाँ की स्थिति है, वहाँ ग्रामीण और पुलिस प्रशासन लगभग आमने सामने डटे हुए हैं। तो वहीं राहत को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए, तो वहाँ भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि पुलिस जो आत्मरक्षा और ग्रामीण जो ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए भी वहाँ पे है और उस स्थल की सुरक्षा के लिए भी है, क्योंकि उस स्थल को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार खाली कराया जाना है, तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को जारी मानते हुए तो प्रशासन की टीम और भारी पुलिस बल वहाँ उस गाँव में फिलहाल तैनात कर दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं लक्सर रुड़की मार्ग पर सोलानी पुल के पास सड़क धंसने से डंपर करीब 35 फीट नीचे तालाब में जा गिरा। डंपर में फंसे ड्राइवर को शीशा तोड़कर निकाला गया। हादसे पर डंपर मालिक और क्षेत्र के लोगों ने हाईवे निर्माण कंपनी पर घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि NH देहरादून केंद्रीय सड़क निधि के बजट से 67 करोड़ रुपए की लागत से लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे का निर्माण कर रहा है। बुधवार को लक्सर निवासी कपिल का सामान से लदा डंपर लंढोरा के तरफ जा रहा था और सोलानी पुल पार करने के बाद डंपर जैसे ही पहली पुलिया पार करने लगा तभी सड़क धंस गई और डंपर चालक ने डंपर का संतुलन खो दिया। संतुलन बिगड़ने से डंपर 35 फीट नीचे तालाब में जा गिरा। कड़ी मशक्कत के बाद डंपर चालक को बाहर निकाला गया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मांगी राम गौर सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौर जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो निर्माण सामग्री है उसमें घटिया सामान इस्तेमाल किया गया जिसके बाद ये घटना हुई है। जी शिवम, जहां तक निर्माण सामग्री की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय सड़क योजना अंतर्गत ये 67 करोड़ रुपए की लागत से रुड़की लक्सर रोड का निर्माण किया जाना है, जिसका ठेका प्रीति कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है जो मेरठ से बिलोंग करती है। तो यहाँ 2 दिन पूर्व बरसात की बात करें तो निर्माण सामग्री की पोल 2 दिन की बरसात में खोल कर रख दी है। बिल्कुल, जाहिर है कि जिस तरह से ये सड़क धंसती हुई नजर आ रही है उससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो निर्माण सामग्री है वो काफी घटिया किस्म की इस्तेमाल की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये खानपुर की है, जहां पर 35 फीट गहरे तालाब में एक डंपर जा गिरा, जहां पर एक ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद वहां से निकाला गया और उसकी जान बचाई गई। तो ये मामला सामने आया है जहां पर स्थानीय लोगों का कहना है कि जो सड़क निर्माण में जो सामग्री इस्तेमाल की गई है वो काफी घटिया किस्म की है और उसी के चलते यहां पर ये हादसा हुआ है।
इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।